देवर्षि नाथ जी कहते हैं कि हे भगवान, आपने कहा कि कार्तिक की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भी उत्सव मनाना चाहिए। यम पंचक में द्वितीय तिथि को क्या करना चाहिए? देवर्षि नाथ जी कहते हैं कि हे राजन, स्नानम कृत्वा भांजायाम यम लोकम नपश्यति। जो कार्तिक की द्वितीय के दिन यमुना जी में स्नान करता है उसे यमलोक की प्राप्ति नहीं होती। कार्तिक के महीने में द्वितीय तिथि को यमुना जी में स्नान करने से प्राणी को यमदूतों के कभी भी दर्शन नहीं होते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय को यमराज यमुना के द्वारा पूजे गए थे, भोजन कराए गए थे, नरक वाले यम के अंचल सतृप्त हुए थे, इसलिए इन्हें यम पंचक भी कहा जाता है। 5 दिन तक धनतेरस से लेकर के यम द्वितीय तक यम पंचक मानी जाती है, जिनमें यमराज यमुना जी में स्नान करने वाले अपने भक्तों को विशेष करके कृपा प्रदान करते हैं। यमुना जी के दर्शन, यमुना का स्नान इस दिन नरक वाले यम के अंचल सतृप्त प्राप्त होते हैं, इस कारण से बड़ा उत्सव प्राप्त होता है। तीनों लोकों में यम द्वितीय प्रसिद्ध हुई, इसी से इसे भैया दूज भी कहते हैं। इस दूज को प्राणी को चाहिए कि प्रीति से बैन के हाथ से भोजन करें, बैन को विधि विधान से दान दे, स्वर्ण के अलंकार वस्त्र आभूषण से सत्कार करें। बैन नहीं हो गए तो गुरु की कन्या या धर्म बैन बना करके उसके साथ में यमुना स्नान करना चाहिए। भाइयों की आयु बढ़ाने के लिए बैन के साथ प्रतिमास आज चिरंजीवियों का पूजन करें। यम द्वितीय के दिन आज चिरंजीवियों का पूजन किया जाता है। पहले भाग में हे मार्कंडे किसको देखते हो, यमराज के ध्यान करते हुए हे बहन जो है प्रार्थना करे कि हे माँ बाप, हे सात कल्प में तुम जीने वाले आप चिरंजीवी, जैसे आप जीते हो वैसे मेरे भाई हो। मार्कंडे बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार अश्वस्थामा परशुराम ये आप चिरंजीवी कहे जाते हैं। ये हमेशा अजर अमर हैं। इनका चंदन अक्षत पुष्प इत्यादि से पूजन करें। भाई को बुलाकर के पहले मंत्र पढ़कर के तिलक लगावे अक्षत लगावे, फिर प्रार्थना करें कि जब तक चंद्र सूर्य पृथ्वी समुद्र वेद पुराण तप ब्रह्मा विष्णु शिव देवता मुनि धर्म ये सब लोग हैं, तब तक मेरे भाई की संतान वंश स्थिर रहे। इस प्रकार मंत्र पढ़ के भाई के बाल पर रोचन लगा देवे, फिर भोजन करावे तो भाई 12 महीना खुश रहता है। उस भाई के सभी रोग शांत हो जाते हैं, दुखों का नाश हो जाता है। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, अत्यंत गोपनीय रहस्य को सुनाता हूं कि जिस समय पर सूर्य लोक में यमराज का जन्म हो गया, शनि का हो गया, छाया के द्वारा शनि तृप्ति और मनु इनका हुआ, इधर जो है अश्विनी कुमार और धर्मराज का जन्म जो है भगवान सूर्य की पहली पत्नी संज्ञा के द्वारा हुआ, तो वहां पर छाया ज्योति संज्ञा ने अपनी छाया से उत्पन्न की थी। बाद विवाद बढ़ गया था, यमराज अपने यमलोक को चले गए, शनिदेव शनिलोक को चले गए आपसी कलह के कारण, तो यमुना जी पृथ्वी पर आ गई और आकर के पृथ्वी पर बहने लगी। यमुना जी बिरला नदी के अंश से उत्पन्न थी, पृथ्वी पर आकर के बहने लगी। पृथ्वी पर बहते हुए बहुत समय बीत गया, युग बीत गई। एक दिन यमराज को अपनी बहन की याद आई कि मेरी बहन कहां पर है। उसने अपने दूतों को भेजा, दूतों ने सब जगह पता लगाया, आखिर में उन्हें यमुना जी का स्थान मथुरा में विश्राम घाट पर मिला कि विश्राम घाट पर यमुना जी का महल है। उन्होंने यमराज को बताया, यमराज उसी समय अपनी बहन से मिलने के लिए पृथ्वी पर आए, धनतेरस से चले थे, यम द्वितीय के दिन पहुंचे। जैसे ही बहन यमुना ने अपने भाई को देखा बड़ी खुश हुई, भाई को बिठा करके यमुना जी ने
भाई को भोजन कराया, भाई की पूजा करी, भाई को भेद दी। तब यमराज कहता है कि बहन तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो मुझसे मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? तो यमुना जी कहती है भाई अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दें कि जो भी प्राणी मुझ में स्नान करे वो आपके दर्शन ना करे, आपके लोक को ना जावे, आपके धर्मराज स्वरूप के दर्शन हो। यमराज आश्चर्यचकित होकर के बड़ी चिंता में पड़ गई, कैसे सारा संसार जो यमुना जी में स्नान करेगा यहां करके सभी का उद्धार हो जाएगा, चाहे कैसा भी पापी हो। यमराज बहुत देर तक चिंतित रहे, तब बहन से देखा नहीं गया, कब भाई इसका एक निवारण बताती हूं। मैं चाहती हूं कि यम द्वितीया के दिन जो भाई बहन स्नान करें वो आपके लोग को नाम है। यमराज का बहन ये वरदान दे सकता हूं कि जो भाई बहन हाथ पकड़ के स्नान करेंगे, बहन के हाथ का भोजन करेगा, तो उनको मेरे दर्शन नहीं होंगे। तो आज भी यम द्वितीया के दिन प्रातः काल से देखना हुआ इतनी भीड़ हो जाती है, यमुना जी उमड़ने लग जाती हैं खुशी के मारे, यमुना जी का जल स्तर बढ़ जाता है और आज के दिन पूरा कहीं आपको इतनी भीड़ मिलेगी निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। बहन भाई सब वहीं पर घाटों पर बैठे होंगे, कई लोग ऐसे आते हैं बड़े बड़े बुजुर्ग जिनको चला नहीं जा रहा वो भी आते हैं, वहां पर क्या करेंगे धर्म की बहन बनाएंगे। बहुत सी बहनें आती हैं जिनके भाई नहीं है वो भी आके बैठ जाती हैं, तो भगवान सबको मिलाते हैं, बहन भाई का जोड़ा बनाते हैं वहां पे। और फिर वो जीवन भर निभाना पड़ता है, ये नहीं केवल स्नान के लिए बन रहे, फिर उनके रिश्ते चलते न जाने कहां से कहां पर जोड़ देते हैं। और वहां स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, यमराज के दर्शन करते हैं, यमुना के। तो इसलिए भैया दूज पर एक बार यम स्नान विश्राम घाट पर जरूर करना चाहिए। उसी दिन से तभी तो कहा जाता है ना, वृंदावन को वास भरो जा, पास वह जमुना पट रानी, जो जन नायके ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको रज रानी, वेद पुराण बखान करे जा संत मुनिन तिनके मनमानी, जमुना जम दूतन तारक है भव तारक है श्री राध के रानी। यमराज के दूतों से यम लोग से यमुना जी बचाती हैं, गंगा जी से पापों से मुक्ति मिलती है, उनसे भी स्वर्ग जाएगी बचेंगे, परंतु जो बहन की पूजा करेंगे तो बहन के द्वारा उसके भाई से रक्षा क्यों नहीं होगी, क्योंकि यम अपनी बहन यमुना की मानेंगे। तो यमुना जी का स्नान जरूर करना चाहिए। और इस समय पर जो यमुना जी है दिल्ली के स्थान में, इनमें तो यमुना जी की शक्ति लुप्त हो रही है, लोगों ने कर दिए गंदगी डाल करके, और इसी कारण से हमारे देश में दुखी हैं लोग, क्यों बीमारियां फैल रही हैं, ज्यादा बीमारियां चल रही हैं, सब जो गंदगी डाल रहे हैं, सारे शहर की गंदगियां नदियों में डाली जा रही हैं, इनका अपमान हो रहा है। शुद्ध जल होना चाहिए, अगर ये गंदगी नहीं डाली होती उनका अपना ही जल बहुत है, साफ सफाई होती सब कुछ होती, इनका ध्यान रखा जाता, क्योंकि जो देवियों का देवी प्रकोप, देवता प्रकोप, महामाया प्रकोप, देवी प्रकोप, ये पितृ प्रकोप ये होते हैं, तो तबाहियां तो आती हैं। इसी कारण से जितने भी बीमारियां हैं सभी यमराज की दासी हैं, और यमुना जी का जो अपमान किया जा रहा है, यमुना जी लुप्त हो गई है यहां से, तो केवल विश्राम घाट में बची हैं, वृंदावन में बची हैं। इसी कारण से सारी बीमारियां अपना रूप धारण करके विचरण कर रही हैं। तो इसलिए यमुना जी का स्नान विश्राम घाट पर अवश्य करना चाहिए। यमुना जी का स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यमराज की बहन है और भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है और राधा रानी की दासी है, ऐसी कालिंदी देवी को नमस्कार है। और हे राजन, सिद्धदायक स्वप्न दुख स्वप्न विनाशक धर्मयुक्त पाप नाशक मुनियों के योग नित्य से दृष्टांत को सुनने से दुष्ट ग्रहों का निवारण हो जाता है, रोगों का नाश होता है, आयु का वर्धन होता है। ऋषि लोग गंगा यमुना के संगम क्षेत्र में तीर्थों में इनको उत्तम कहते हैं। पुण्य की अपेक्षा करने वाले मुनि लोग मनुष्य लोग ब्रह्मादिक गंगा यमुना सरस्वती इन तीर्थों का सेवन करते हैं। विष्णु के चरणों से उत्पन्न गंगा जी हैं और सूर्य की पुत्री यमुना
भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। इनके स्मरण करने से पीड़ाओं का नाश हो जाता है। नदियों में शेष सभी प्रकार के पाप नाश करने वाली गंगा यमुना है। समुद्रंत पृथ्वी में जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं, जितने प्रयाग पुण्यकारी हैं, प्रयाग में ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का पूजन किया, मुनि लोगों ने बहुत तरह से यज्ञ किए, सभी तीर्थों के अभिषेक का पुण्य गंगा यमुना के वहां पर जो संगम है, त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। सैकड़ों योजन से भी जो लोग गंगा गंगा कहते हैं, सभी पापों से छूट जाते हैं, और जो गंगा स्नान करते हैं उनका कहना ही क्या। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनियों को गंगा यमुना का सेवन अवश्य करना चाहिए। गंगा जी का स्नान महापुण्य है, देवताओं को भी दुर्लभ है। विष्णु जी का सारूप मोक्ष प्रदान करने वाली है, इससे और ज्यादा बढ़ के क्या शेष है। जिस गंगा में पाप करने वाले भी पापों से छूटकर के परम पद को जाते हैं, ऐसी गंगा यमुना को नमस्कार है। इनमें केवल स्नान करने मात्र से ही प्राणी को मुक्ति प्राप्त हो रही है। जहां स्नान करने वाले लोग गंगा यमुना का पूजन करते हैं, माता पिता के हजारों कुलों का उद्धार कर देते हैं। जो कोई गंगा जी का स्मरण करता है, सभी तीर्थों का सेवन करता है, जहां स्नान करता मनुष्य को देख करके पापी भी पाप से मुक्त हो जाता है। धर्मात्मा के दर्शन करने से भी पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा यमुना का स्नान और संतों का दर्शन, जो सिद्ध संत होते हैं उनके दर्शन करने मात्र से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सभी तीर्थों में स्नान करने का और जो पुण्य क्षेत्रों का वास है, वो मनुष्य को देख करके वो पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो गंगा यमुना का ध्यान करो, तुलसी की मिट्टी स्पर्श करो, उससे तुलसी की मिट्टी डालकर के भी स्नान कर लेते हैं। तुलसी की मिट्टी के अंदर भी गंगा यमुना का ही महत्व है। इसलिए गंगा जी की मिट्टी, तुलसी की मिट्टी, ये सब अति श्रेष्ठ है। गंगा तुलसी ये सब भगवान विष्णु की भक्ति कराने के लिए दुर्लभ है। इसलिए चरण रेंजु गंगा की मिट्टी, तुलसी और यमुना की रजकण, इनका केवल स्पर्श कराने से पाप मुक्त हो जाते हैं। जो प्राणी केवल मन में विचार करते भी हैं कि हम गंगा स्नान जाएंगे, यमुना स्नान जाएंगे, केवल मन में विचार कर लेते हैं कि हमें मथुरा वृंदावन जाना है, सोचने मात्र से ही उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में मानसिक पुण्य लगता है, मानसिक पाप नहीं लगता। इसलिए मन से अच्छा सोचो, और मानसिक पुण्य जब होगा जब मन के अंदर पाप नहीं लाओगे। मन से केवल उनका ध्यान कर लो, जैसे मन से बैठे हुए आप आंखें बंद करके अपने स्थान पर बैठे हैं, यहीं से बैठे बैठे वृंदावन की परिक्रमा लगा लो कि हम कहां पर गए, हमने शुरू करी रमन रीति से, रमन रीति में कौन कौन सा स्थान आ रहा है। अगर आप आंख बंद करके दृश्य बनाओगे, दृश्य घूमने लग जाएगा। अगर आप गए कि ये रास्ता ऐसे ऐसे है, आपके ये पड़ गया, आपके ये पड़ गया, ये क्या हो रहा है, तो वो सारे चित्र करके पूरी परिक्रमा लगा लो, 2 मिनट में आप परिक्रमा लगा लोगे, और फल आपको मानसिक पुण्य परिक्रमा का भी वही प्राप्त होगा। मन से भी जो स्नान करते हैं कि हम कैसे गए, उस रूप का ध्यान कर लो, उस पूरी घटना को याद कर लो, और ये रखो कि हम गए हुए हैं आंखें बंद करके, तो आपको वही पुण्य की प्राप्ति होती है। आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, केवल भाव चाहिए। इसलिए गंगा का महिमा, विष्णु जी का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कह सकते। संसार में ये माया सबको मोहित करके रखती है, इसलिए गंगा यमुना तुलसी की भक्ति संसार के पाप रूपी रस्सी को काटने वाली है। जो एक बार भी गंगा कहता है वो मनुष्य पापों से छूट जाता है। 12 कोस पर बैठा हुआ भी गंगा का ध्यान करने से स्वर को प्राप्त कर लेता है। जो पुण्य गंगा आदि नदियों में स्नान करने से प्राप्त होता है, गंगा जी माघ के महीने में संसार को पवित्र करती है। गोदावरी, भीमवती, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बौदा, वित्रवती, ताम्पनी, सरयू,
ये सभी तीर्थ गंगा जी में स्थित रहते हैं, इसलिए जन्म दाता जन्म माता स्नान करने से जागृत हो जाते हैं। पवित्र करने वाली गंगा मनुष्यों से सेवित होती है। तीर्थों में काशी मथुरा ये तीर्थ अति श्रेष्ठ है। वो कान धन्य है जो काशी की महिमा सुनते हैं। अब मुक्त क्षेत्र काशी का सदा स्मरण करने से पाप रहित हो जाते हैं। स्वयोजन में बैठा हुआ भी जो काशी काशी पुकारता है वो प्रपंच पापों से कभी नहीं बनता। प्राणांत के समय जो अपने भगवान के प्यारे अभिमुक्त क्षेत्र काशी का स्मरण करता है वो पापों से छूट जाता है। काशी में काशी के प्रभाव से जो काशी में प्राण त्यागता है वो सीधा वैकुंठ जाता है। क्यों जाता है? तो काशी के अंदर भगवान सबका जी स्वयं आकर के अपना मोक्ष धन देते हैं। राम राम उसके कानों में कहते हैं, राम राम सुनाते हैं काशी में, तो उस नाम की इतनी महिमा होती है। काशी के स्मरण मात्र से मनुष्य इस लोक में राजा होकर के अनेक सुख भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। काशी